हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए आलू की एक डिश। स्वागत है आपका स्वाति ग्रास रसोई में। जैसा आप जानते हैं, लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन बच्चों के खाने की फरमाइश तो बंद नहीं होगी, तो चलिए आज उनकी फरमाइश पूरी करते हैं और ड्राई फ्रूट्स आलू टिक्की बनाते हैं। चलिए शुरू। इसके लिए हमें चाहिए 4 उबले आलू, मैदा, चावल का आटा, धनिया का पत्ता, कुछ कटी हुई किशमिश, कुछ कटे हुए काजू, अमचूर पाउडर, भुना जीरा पाउडर, चाट मसाला, लाल मिर्च, हल्दी। आलू को हम छील कर मैशर से अच्छी तरह मैश कर लेंगे। हमने आलू को मैश कर लिया अच्छी तरह से। अब इसमें सारे मसाले मिलाएंगे। लाल मिर्च, हल्दी, अमचूर, भुना जीरा मसाला, चाट मसाला और साथ ही हम चावल का आटा मिलाएंगे 2 से 3 चम्मच और 1-2 चम्मच मैदा और इसे और नमक भी डालेंगे स्वाद अनुसार। इस सबको मिलाएंगे बहुत अच्छी तरह से। आपको अगर कम लगे तो थोड़ा सा मैदा इसमें और ऐड कर सकते हैं। और धनिया की पत्ती भी डाल देंगे। मैंने यहाँ 2-3 चम्मच मैदा लिया है, उसमें थोड़ा पानी डाल रहे हैं। पानी डाल के इसे पतली सी घोल बनाएंगे। हमारा घोल कुछ इस तरह से तैयार हो जाएगा, इतनी पतली बनानी है। हाथ में तेल लगाएंगे हम और अब टिक्कियां बनाएंगे। टिक्कियां बनाएंगे, इसमें बीच में छेद करेंगे थोड़ा सा और 2-4 किशमिश और कुछ काजू डालेंगे। इसको यूं बंद करेंगे। हम इसे घोल में यूं करेंगे। उसके बाद हमने बिस्किट का चूड़ा लिया है, उसके ऊपर यूं से लपेट देंगे और फिर उसको प्लेट में रखेंगे। उसके बाद इसको शैलो फ्राई या डीप फ्राई करेंगे। आप इसकी जगह पे ब्रेड क्रम्स भी ले सकते हैं। मेरे पास अभी ब्रेड नहीं थी, इसलिए मैंने बिस्किट का चूड़ा बनाया है। टिक्कियाँ हमने बना ली है, अब इसे शैलो फ्राई करें या डीप फ्राई करें, ये आपकी मर्जी। हमने पैन चढ़ा दिया है, उसमें तेल डाल दिया है। आप अपनी मर्ज़ी का तेल उसमें ले सकते हैं। हमारा तेल गर्म हो गया है, अब हम उसमें सारी टिक्कियाँ एक एक करके डालेंगे और उसे फ्राई करेंगे। टिक्कियों को हम इतना ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। लीजिए, रेडी हो गई है हमारी टिक्की। इसको आप बच्चों को केचप के साथ दे सकते हैं और हल्का सा देने से पहले इस पर चाट मसाला का स्प्रिंकल करें। आई होप कि आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।